अस्सलामुअलैकुम ग्रिपन ट्रिप के आज के एपिसोड में हम सफ़र करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात के डेरा एरिया से और जाएंगे बर दुबई। और इस सारे सफ़र में हमारा ख़र्चा आएगा एक दिरहम, क्योंकि ये मेरे सामने आप देख रहे हैं ये जो बोट्स हैं ये हमें लेके जाती हैं और वो जो पीछे किनारा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ड्रॉप करती हैं। 200-250 मीटर का ये सफ़र है, बड़ा लंबा, और एक दिन हम इसके चार्जेस हैं। तो मेरा जो होटल है वो सामने है, ये जॉर्ज होटल दुबई क्रीक के ऊपर लिया हुआ मैंने होटल, और यहाँ से मैं इसके ऊपर बैठ के एक मिनी फेरी का मज़ा लेंगे। छोटी सी 4 से 5 मिनट की राइड है, इस राइड को एंजॉय करते हुए हम जाएंगे बर दुबई। यहाँ का जो ओल्ड एरिया उसको फिरेंगे, कुछ खाने खाने खाएंगे और देखेंगे मार्केटें। मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे पार्किंग स्लॉट्स बनी हुई है और घंटों के हिसाब से चार्ज होता है। मेरा नाक थोड़ा सा बंद है और इस मार्केट में आके 5-10 मिनट में दुकानों के आगे फिरा तो खुद ही जो है वो मेरा नाक बेहतर होना शुरू हो गया है। यहाँ पे जो जड़ी बूटियाँ हैं उनकी खुशबुएँ जो है ना वो सीधी दिमाग में बजरियाँ ने जाके। मैं अंडरपास के जरिए बर दुबई वाले एरिया में आ गया हूँ और हम दुबई क्रीक को क्रॉस करके उधर एंटर हो जाएंगे। वैसे तो दुबई एक नहायत एडवांस शहर है। ये कश्तियाँ अमाराती सकाफत को प्रिजर्व करने के लिए चलाई जाती हैं। इन बोट्स की पेंटिंग बाजार में बिक भी रही होती है और होटल में भी कई जगह पर इनकी पिक्चर्स लगी होती हैं। डेरा से बर दुबई की तरफ आने जाने के लिए यही बोट्स इस्तेमाल होती हैं और दुबई क्रीक में मुख्तलिफ जगहों पर इनके स्टॉप्स मौजूद हैं। ये रास्ता शायद आधे किलोमीटर का भी नहीं, लेकिन इसका एक्सपीरियंस लाजमी करना चाहिए। इसका किराया भी एक दिरहम है जो कश्ती में ही सफ़र के दौरान आपसे लिया जाता है। ज़्यादातर ट्रैवलर ही इसको यूज़ करते हैं, इसलिए अक्सर ने मेरी तरह मोबाइल निकाला हुआ है। ये बिल्कुल जिंगची सिस्टम है, आपने जो किराया है वो ड्राइवर आप आके तुहारे घरों ले लेगा। इसके लिए वैसे काउंटर भी बने हुए हैं, लेकिन वो टूरिस्ट जो बड़े ग्रुप होते हैं उनके लिए होते हैं। 1-2-4-5 लोग जो हैं वो वैसे ही आके बैठ जाएँ यहाँ पर और उन्होंने हफ्तों किराया बढ़ा दो तो वो आपको दूसरी साइड पर उतार देंगे। पाँच मिनट की एक छोटी सी लेकिन बड़ी मज़ेदार किस्म की राइड है और हम लोग डेरा से अब एंटर हो गए हैं बर दुबई में। छोटा सा ये जो दुबई क्रीक है इसको क्रॉस करना होता है और फिर आप बर दुबई में आ जाते हैं। यहाँ पे जो कहा जाता है कि ये यू कैन से अंदरून दुबई है, जिमें लाहौर का अंदरून है, एक उस तरह का है। यहाँ पर पुराने जो अमाराती लोग थे वो यहाँ रहते थे। ये दुबई क्रीक है, सामने मेरे अब डेरा आ गया और इस वक्त मैं बर दुबई में खड़ा हुआ हूँ।
बट दुबई बहुत बड़ा एरिया है और मैं इसके कॉर्नर पे हूँ। ये जो क्रीक है ये आ रही है जुमैरा से और आगे चल के ये समुंदर में ऐड हो जाती है। सारा एरिया ही वॉकिंग है, जितनी मर्जी वॉक करो। और यहाँ का ये जो आर्किटेक्चर है ये वो पुराने वाला ही रखा गया है, लेकिन उसको बनाया नए तरीके से गया है। ये सारा एरिया ही जो शाही ख़ानदान की पहली रेजिडेंस है उसका है। इसमें इन्होंने लाइब्रेरीज़ हैं, डॉक्यूमेंट सेक्शन है, इनकी कारों की कलेक्शन है और इनके जो ड्राइंग रूम है ये वो 50 दिरहम इसकी टिकट है। अधियों को तो मौजूद देख लेती ने टिकट उन मैंने ले लिया, क्योंकि जब पाकिस्तानी आता है ना बाहर टूर पर हर चीज़ मल्टीप्लाई चल रही होती है। मेरा तो मैथ बड़ा अच्छा हो जाता बाहर आके, तो लिहाजा हम यहाँ से यही 50 दिरहम है ना वो खाने पर लगाएंगे, मज़ीद अच्छा खाना खाएंगे। पहले मैंने 25-30 दिरहम का खाना था, अब मैं 70-80 दिरहम का खाना खाऊंगा एंड दैट्स ऑल। अच्छा एक चीज़ बड़ी अजीब है, यहाँ पे जितनी भी इनकी पुरानी जगह हैं उन्होंने उसको मॉडर्न लुक में रिस्टोर कर दिया। मतलब जो दीवार है वो उतनी पुरानी नहीं है, उसको वही लुक दे के लेकिन बनाया नए तरीके से गया। इस तरह से ना आर्टिफिशियल एक फील आती है, मुझे लगता है रिस्टोरेशन तो यही होती है कि आप उस चीज़ को वैसे ही रिस्टोर करें जैसी वो थी। अच्छा अगर हम हिस्ट्री की बात करें ना तो जो यूएई की हिस्ट्री है वो कोई इतनी वो नहीं है पुरानी, ये तो रेते खोद खोद के अपनी हिस्ट्री तलाश करने की कोशिश करते हैं। और सऊदी अरेबिया इवन के यमन की हिस्ट्री जो है वो बहुत पुरानी है, अबरा बादशाह से लेके उससे भी पहले से स्टार्ट होती है। तो ये तो रिसेंटली पिछले 40-50 सालों में एरिया डेवलप हुआ है, इससे पहले तो यहाँ पे झोंपड़ियों वाले सीन होता था। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस हिस्ट्री में, इसलिए मैं 50 दरहम नहीं खर्चे और वो मैंने आपको बता दिया कि वही 50 दरहम उन मैं अपनी रोटी से ऐड कराऊँगा। लेकिन जगह बहुत प्यारी है ये, आप 4 बजे के बाद आएँ यहाँ पर तो सबसे बेहतर है, क्योंकि गर्मी थोड़ी कम हो जाएगी और बोनस है कि अगर यहाँ पे हवा चल रही हो तो वो फिर तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे साइकिल है, साइकिल स्टेशन, लोग मेट्रो यूज़ करते हैं और यहाँ पे आके अपनी साइकिल लगा देते हैं और आगे से निकल जाते हैं अपने ऑफिस की तरफ। ये अल गुबैबा स्टेशन है जो बर दुबई में लगता है सोक स्पाइस बाजार की तरफ। इस इंतहाई छोटी सी स्टेट में 180 प्लस नेशनैलिटीज़ रहती हैं और जब आप किसी पब्लिक प्लेस पे घूम रहे होते हैं तो आपको हर 2-4 मिनट बाद एक जो लैंग्वेज है वो नई सुनने को मिलती है। ये बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत बात है यहाँ की कि इस वक्त मैं अल गुबैबा स्टेशन पे हूँ और यहाँ पे आज तो नेपाली लोगों का त्यौहार है, बट स्टिल उसके अलावा भी यहाँ पे इतनी नेशनैलिटीज़ हैं कि आपको अननोन लैंग्वेजेस सुनने को मिल रही हैं और अननोन कम्युनिटी से आपकी इंटरेक्शन हो रही है। ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल बने हुए हैं बसों के, जो कि पूरे अबू धाबी, अलैन और यासो खैमा वाली यहाँ पर सारी बसेस खड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आ रहे हैं। मुझे लगता है बर दुबई के लारी अड्डा है क्योंकि और काफ़ी ज़्यादा बसेज हैं और डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन लिखी हुई हैं इनके ऊपर। अच्छा दुबई में अगर आप होटल देख रहे हैं तो उसके लिए डेरा जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा मुझे लोगों ने रिकमेंड किया था और यहाँ से वैसे बर दुबई भी बहुत अच्छा है, उसकी कनेक्टिविटी डेरा से भी ज़्यादा है, लेकिन ये दोनों करीब करीब है। मैंने ये किया कि मैं डेरा के कॉर्नर पर आ गया जहाँ सामने बर दुबई था, तो मैं दोनों जगहों पर ईजिली कर रहा हूँ ट्रांसपोर्ट। अगोडा trip.com बुकिंग ओयो रूम यहाँ पे एक वेबसाइट है वहाँ से करते हैं। तो यहाँ पे जो होटल्स हैं वो जो 3 स्टार हैं उनकी कीमतों में 2-4 हज़ार का फ़र्क है और इसके अलावा आपको टूरिस्ट टैक्स भी पे करना पड़ता है जो कि नॉर्मली आपसे एट द टाइम ऑफ चेक इन आपसे लिया जाता है। यहाँ पे जो होटल्स हैं उनकी मिनिमम रेटिंग 3 स्टार है, ये टूरिस्ट कंट्री है, टूरिस्ट ड्रिवन कंट्री है, तो यहाँ पे 3 स्टार होटल्स हैं मिनिमम
इससे अगर आप सस्ता काम करना चाहते हैं तो आप फैमिली अपार्टमेंट्स ले लें, वो आपको ज़्यादा सही रहेगा। बस स्टेशन के सामने खाने के कई रेस्टोरेंट हैं। अभी अरेबिक शवारमा ही खाते हैं क्योंकि शाम को दुबई क्रूज का खाना भी खाना है। मेरा होटल दुबई क्रीक के करीब ही है तो यहाँ जाने में 10 मिनट ही लगेंगे। बाजारों में यहाँ जब आप फिर रहे होते हैं तो स्पाइसेस इत्र की एक मिक्स सी खुशबू आती रहती है। शाम होने को है और अब तैयारी है दुबई डो क्रूज जाने की। ये क्रूज दुबई में मरीना से चलते हैं। वैसे अल-सीफ से भी क्रूज राइड मौजूद हैं मगर वो थोड़े छोटे क्रूज होते हैं और क्रीक में चलते हैं, जबकि मरीना से चलने वाले क्रूज समुंदर में ट्रिप कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्री बुकिंग भी हो जाती है जैसे कि, लेकिन हमने नहीं करवाई हुई। अच्छा, हमने करवाई भी है, हमने प्री बुकिंग करवाई भी है लेकिन एडवांस नहीं दिया हुआ, और टिकट हम जाके परचेज करेंगे। और यहाँ पे डिफरेंट क्लब है, हमारा है फाल्कन ओएसिस जिहड़ा कि सब तो एंड से निकल आया, हम पैदल जा रहे हैं। सारी लाइन है और अभी इन्होंने चेक इन स्टार्ट नहीं किया। यहाँ पे दो ही डेक बने हुए हैं और जो डेक है उसके साथ 8 से 10 जहाज लगे हुए हैं और वन बाय वन भरी जा रहे हैं, से कटी जा रहे हैं। अच्छा, इस शिप को मैं आपको दिखा दूँ, इसमें दो फ्लोर हैं, एक ऊपर है और एक नीचे। जैसे नीचे वाली सीटें पड़ जाएंगी फिर उनको अपन ये शुरू कर देंगे। और ज़्यादातर यहाँ का जो मेन्यू है वो है वेज। आज हमारे सैलड बार में जलेबियाँ खा भी गए हो, जलेबियाँ खाती हैं ना। क्रूज में एंटर हुए तो वही हाल देखा जो ट्रेन में होता है। ट्रेन अभी चली नहीं होती और लोग घर से लाया हुआ खाना साथ खा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें वेज और नॉन वेज दो तरह के मेन्यू रखे गए क्योंकि 80% यहाँ पे इंडियन है। कोई नहीं, ऐसे बनने से भी खावा। पहले तो 6 गुलाब पीने ना सूट है, सॉरी मग। तनोरा डांस क्रूज में भी पेश किया गया, ये इनका सकाफती डांस है।
जी, तो हमारा जो डॉग क्रूज का सफर था वो ख़त्म हो गया। आज के दिन बड़ा फन फिलिंग था अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं तो इसको एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। फर्स्ट टाइम किया मैंने, बस फॉरेस्ट क्रूज ही किया, जब भी किया उसमें, और इसमें डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। वो जब चलता है तो आप 2000 साल पुराने चर्चेज के करीब से गुजरते हैं। जो डिनर था वो बहुत अच्छा नहीं था, वो बिल्कुल एवरेज सा था, मतलब मुझे उस तरह से मज़ा नहीं आया। तो तुम्हें पता, मैं सिर्फ डिनर से आया था। लेकिन ये कि राइड अच्छी थी, मौसम अच्छा है, क्योंकि नवंबर का महीना है तो दुबई में सीज़न स्टार्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा टूरिज्म का, तो मौसम की वजह से ही यहाँ पे टूरिज्म होती है। इतने जून जुलाई को बढ़ता भी नहीं, क्या पता ज़्यादा उसमें। और अभी भी ज़्यादातर जो लोग हैं वो रात को ही निकलते हैं। दुबई में नाइट लाइफ बहुत ज़बरदस्त है, मेरे जैसे बंदों को तो वैसे दुबई पसंद आता है, इसलिए यहाँ पे नाइट लाइफ है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन फिलहाल थकावट बहुत हुई है, सुबह से निकला हुआ था और लग होता गया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में मुझे बता दें। अल्लाह। हबीबी कम टू दुबई सीरीज में अगर आप ग्लोबल विलेज का ज़बरदस्त फूड एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर देखना चाहते हैं जुमेरा बीच की नहायत खूबसूरत सुबह तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप मेरे साथ रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।